الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام اخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अरशे इलाही थाम के ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अरशे इलाही थाम के ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के के खुदा रुख फेर दे अब गर दिशे के रहम कर अपने न आई ने करम को भूल जा रहम कर अपने न आई ने करम को भूल जा हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा खल्क के दे हुए दुनिया के ठुकराए हुए खलक के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए ख़ार हैं बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, ख़ार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं है है। हक परसतों की अगर की तूने दिल जोई नहीं हक परसतों की अगर की तूने दिल जो ही नहीं ताना देंगे बुद के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं कराम मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों माँ और बहनों प्यारे बच्चों इस वक्त हम और आप नसोपुर की इस मस्जिद में सख्त सर्दी के मौसम में जमा हुए हैं मकसद है हालात के मुताबिक हम सब अपना जायज़ा लें और अपने ईमान और अपने अकीदे में अपने अमल में जो कोताहियाँ हैं उन पर गौर करके उनकी इस्लाह की कोशिश करें प्रोग्राम मगरिब बाद ही होना था लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मुझे पहुंचने में काफ़ी ताखिर हुई जिसकी बिना पर प्रोग्राम ऐशा के बाद मुंतकिल हो गया और अभी आपने तो़ीत की आज़मत पर हमारे इंतहाई बुज़ुर्ग शेख नसीम सलफ़ी हफि से एक बड़ा खिताब ख़िताबात किया अल्लाह ताला हम सब को की हिफाज़त की फरमाए हालात क्या हैं क्या कुछ हो रहा है मुल्क की तस्वीर किस तेज़ी से बदल रही है सारी चीज़ें आपके सामने आईने की तरह साफ़ हैं हकीक़त तो ये है कि अब अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक मौका दिया है हमें और आपको हमेशा जब मुश्किल आएँ जब परेशानियाँ आएँ तो हमें अपने प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम और आपके साहब कराम की जिंदगी का मतला करना चाहिए अल्लाह के नबी ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की मक्के में अकेले खड़े हुए पूरा मक्का मुशरक था पूरा मक्का शिर अड्डा था अल्लाह का घर खाने काबा बुतों से भरा हुआ के रसूल का पूरा खानदान उसी बुतपरस्ती में मुबतला था उस माहौल में अल्लाह के नबी खड़े हुए और आपने तोहिद की दावत दी इस्लाम की दावत और जब आपने ये दावत दी तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने फूल के माले पहनाया बड़े कांटे आपकी राह में बिछाए बड़ी मुखालफतें हुई बड़े दर्द सहे आपने खून बहा आपके चेहरे से टाइप में पत्थर खाए आपने घर और वतन से निकलना पड़ा अपने खानदान और अपने घर के लोग दुश्मन हो गए जंग के मैदान में लड़ने के लिए आए ये सारी चीजें हुई मगर अल्लाह के रसूल मायूस नहीं आपके साब के राम जब मदीना पहुंचे तो इस हाल में पहुंचे के बेसरो सामान थे ना इस बात की गारंटी है मदीना कि मदीना जाके हमको खाने को क्या मिलेगा पहनने को कपड़ा मिलेगा कि नहीं सर ढापने को छत मिलेगी कि नहीं मगर साहब के राम बेचैन नहीं हुए साहब के राम परेशान नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत हमारे पास और यह दौलत अगर है दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं सकती मेरे भाइयों इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं हमारे और आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, है मौका है हम जीरो से शुरुआत करें ये मुल्क हमारा है इस मुल्क की आजादी के मौके पर हमारे मुल्क के बड़े अजीम रहनुमा थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उन्होंने कहा था ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के मुस्तकबिल का कोई फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है इस मुल्क में आज हम करोड़ों की तादाद में आज भी यहां लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं ये आला की आवाजें बुलंद हो रही हैं अब हमें और आपको जीरो से उठ के खड़े होना है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि हम क्या थे और क्या होने करीम में अल्लाह ताला ने जहां हमारा मकाम हमें बताया वहीं हमारी ड्यूटी भी हमें बताई अगर हमें इस बात का फक्र हासिल है अगर हमारे लिए शर्फ की बात है हमारे लिए ऑनर की बात है सम्मान की बात है कि हम अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मती हैं ताला ने इस सम्मान और इस ऑनर का जिक्र करने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी भी हमको याद दिलाई असलमान हो तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम के लोग हो तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत से ताल्लुक रखते हो तुम खैर उम्मत हो तुम दुनिया की सबसे बेस्ट कम्युनिटी वो सर्वोत्तम समाज हो तुम्हें इंसानियत के लिए निकाला गया है तुम्हें अल्लाह ने बनाया है तुम्हें पैदा किया गया तुम मानवता को इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो रू ना निलकर तुम भलाई का हुक्म देने के लिए दुनिया में आए हो तुम्हारे जरिए दुनिया के अंदर अच्छी बातें फैलेंगी बलाइया फैलेंगी खैर फैलेगा मारू फैलेगा व और तुम बुराइयों से रोकने वाले और बुराइयों को दुनिया से खत्म करने के लिए भेजे गए हो व वह बिल्ला और सबसे बड़ी बात यह कि तुम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाली कौम हो शर्मगाहों की इबादत करने वाली हर ताकत के आगे झुक जाने वाली हर पावर के आगे सजदा करने वाली कौम तुम्हें जेर नहीं करती। तुम तोहित वाले हो तुम एक अल्लाह के आगे सर झुकाने व तुम मिन तुम्हारे पास अल्लाह के ऊपर ईमान की ताकत है मेरे भाइयों हालात बहुत मुश्किल है इंसाफ के सारे मैार बदले जा चुके हैं कानून का जो दुरुपयोग हम देख रहे हैं देख करके उसको दिल गमगीन है, मगर हम एक बात याद रखें मेरे भाई हमें इन हालात में भी मायूस नहीं होना। मेरे नबी ताइप में पत्थर खाते वक्त भी मायूस नहीं हुए फरिश्ता करके कहता है हजरत जबरील कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप इजाजत दें इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए पहाड़ों का फरिश्ता आपसे इजाजत मांग रहा है अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया उसके अंदर दो सबक है हमारे एक सबक तो यह है कि आप रहमत हैं पत्थर बरसाने वालों के लिए भी आपके हाथ में पत्थर नहीं सलाम है सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए आपने ताइफ में पत्थर बरसाने वालों के लिए भी बदवा नहीं की और पहाड़ों के फरिश्ते को इजाजत नहीं दी कि तुम इनको पहाड़ों में रख आपने जवाब दिया बल ईमान नहीं ला रहे कोई बात नहीं मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कल्ला के ऊपर ईमान लाएंगी आज तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कल आने वाली इनकी नस्लें मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जान देने वाली बन जाएंगी चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि वही तायफ के कबीले सकीफ, उसमें बड़े बड़े सहाबा उस कबीले में पैदा हुए और उस कबीले के लोग सब मुसलमान हो गए वो तायफ का वो इलाका जहां पत्थर बरसाए गए नबी पर एक वो दौर भी आया जब पूरा वो इलाका इस्लाम की आगोश में तो मेरे भाई मेरे नबी मायूस नहीं हुए और हमें आपको हमें और आपको ये सबक दिया कि मायूस ना हो एक दौर था तातारी पूरी इस्लामी दुनिया के लिए अजाब बन करके आए थे तातारियों ने वो हालात पैदा किए थे कि दरियाए दजला का पानी या तो लाल नजर आ रहा था या काला नजर आ रहा था लाल इसलिए नजर आ रहा था कि मुसलमानों के, के खून की वजह से वो लाल था और काला इसलिए था कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों और किताबों को जला करके उनकी उन किताबों को दरियाए दजला में फेंका गया मगर उन्हीं तातारियों को अल्लाह ने ईमान की तोह और फिर वही इस्लामी हुकूमत और इस्लामी खिलाफत का एक बड़ा सुनहरा बाप उनके जरिए कायम हुआ और जिनको हम उस्मानी खुलफा कहते हैं वो उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए मेरे भाइयों और इकबाल कहते हैं है आया है आया फितने तातार की अफसाने से है आया फितने तातार की अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने अल्लाह जब चाहे सनम खाने से भी अपने काबे की हिफाजत करने वाले पासबानों को पैदा करने पर परिर है हमारी क्या औकात है मेरे भाई इस मुल्क में हमने इस मुल्क के कानून को न कभी तोड़ा है न तोड़ेंगे इन मुल्क की अदालत और इस मुल्क की अदलिया और इस मुल्क के कानून पर हमेशा अपना भरोसा जाहिर किया क्योंकि हमने जब इस मुल्क, मुल्क के हम जब शहरी और सिटीजन हैं तो इस मुल्क के सिटीजन होने के नाते हमारे नबी की तालीम यह है अल मुसलमान जहां भी होता है अपने का, अपने एग्रीमेंट का वादे का पाबंद होता है इस मुल्क का संविधान इस इस मुल्क का आएन, इस मुल्क का का कॉन्स्टिट्यूशन जो मुतालबात एक शहरी से करता है मुसलमान उन मुतालबात पर खरा उतरने के लिए तैयार है मगर मेरे भाइयों इन हालात में हमें और आपको एक मौका मिला है हम टटोले अपने आप को पानी कहां मर रहा है कमी कहां पैदा हुई, कि वो मुसलमान इस मुल्क में बड़ी इज्जत और शान और शौकत से रहा करते थे और इस मुल्क का चप्पा चप्पा और नगर नगर और गली गली और करिया करिया मुसलमानों की अजमत का गवाह था आज इस मुल्क में मुसलमान इस कदर जलील और क्यों हो गए? आज मुसलमान इंसाफ के लिए गुहारे लगाने के लिए इंसाफ के अड्डों पर जा करके खड़ा है बेबस ये हालात क्यों पैदा हुए इस पर हमें और आपको गौर करने के जब हम गौर करते हैं तो हमें सबसे पहला जो पानी मरता हुआ नजर आता है जो सबसे बड़ी कमी हमें नजर आती है मुसलमान अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान अपनी जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है तोहीद उसको आज खो और मुसलमान क्या समझता है साहब हम दूसरों की नजर में अच्छे हो जाएंगे हम उनके बुतों के आगे सद्दा कर लेंगे वो हमें अपना लेंगे नहीं साहब वो तब भी आपको नहीं अपनाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े मशहूर खान साहब हैं अभी इस बुत खाने के लिए उन्होंने पांच करोड़ का चंदा दिया इस उम्मीद में कि शायद बुलावा मुझे भी आ जाए मगर खान साहब को बुलावा नहीं भेजा और जब खान साहब के बेटे पर मुसीबत आई तो मीडिया ने वैसे ही ट्रोल किया वैसे ही सलूक किया वैसे काम मुसलमान के साथ करता है मुसलमान नाम का भी आज जो है हमारे मुल्क की मीडिया में एक बस नाम भी अगर मुस्लिम आ जाए तो फिर उसको लेकर के वो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं जो एक आम मुसलमान के साथ करता हैं हमने इस इन तमाम हालात में बड़े बड़े दस्तार वालों को और बड़े बड़े दाढ़ी वालों को हमने उनके ईमान को बिकते हुए देखा हमने चंद सिक्कों के अवज और कैमरे की चंद तस्वीर के अवज और चंद सरकारी तोहफों के अवज उनको अपने ईमान और अपने जमीर का सौदा करते देखा तो हमने अयोध्या के उस बूढ़े का बयान भी देखा जो उसी उसी अल्लाह के घर के पड़ोस में रहता है जिस अल्लाह के घर को मिसमार कर दिया गया उस बूढ़े चचा का वो ईमान भरा जवाब भी हमने देखा उसने कहा मुसलमान हो ही नहीं सकता है उनका, उनका जवाब उनके कैमरा मैन के सामने और रिपोर्टर के सामने उनका वो जवाब और बयान ये बताता है ईमान की रमक उनके सीने में बाकी है ये फितनों का दौर है मेरे यहाँ ईमान एक राशन कार्ड के जरिए बिक जाता है यहाँ एक मुसलमान लड़की मोहब्बत और प्यार के सुनहरे जाल में फंस करके अपने ईमान का सौदा कर लेती है और इन हालात में हमें अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फितनन उस वक्त के आमल उस वक्त के आने से पहले नेकी करने में जल्दी करो मेरी उम्मत के लोगों मुस्लिम जब इतने फितने पैदा होंगे जैसे अंधेरी रात में आसमान पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है इतने फितने नजर आएंगे कि दीन की असली शक्ल तुम्हें नजर नहीं आएगी युस्म रजुल काफिर सुबह को एक इंसान मोमिन होगा शाम होते होते काफिर हो जाएगा और शाम को एक इंसान मोमिन होगा और सुबह को सुबह होते होते अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे अपनी तौहीद की हिफाजत अरे हम अरे कमजोरों के पास आ, क्या है? है, 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 है यही तो एक दौलत है, है, है यही तो एक पूंजी है।, है कल कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा क्या लेके आए हमारे पास नमाजों में तो, तो कोता हैं तो है, हमारे पास तो रोजों में हैं हमारे पास आमाल में हैं अगर हमारे पास ये तोहहीद की पूंजी भी ना रहेगी तो हम कहां जाएंगे मेरे भाई तोहहीद को संभाल के रखो मेरे कयामत के दिन ये पूंजी हमारे काम आएगी ये कैपिटल हमारे काम आएगी इन कफरू मातुन अदिल अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन वो लोग जो ईमान के बग़ैर दुनिया से चले गए जो तोहहीद के बग़ैर दुनिया से चले गए कल क़यामत के दिन वो आएंगे और जमीन भर के सोना दे करके अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह अजाब से बचा ले अल्लाह फरमाता है फल उलर्जी जहाबा जमीन भर के सोना भी तुम लेके आ जाओ लेकिन तोहेद तुम्हारे पास नहीं है ईमान तुम्हारे पास नहीं है तो जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा और ये बात याद रखो समाज नहीं सुधर सकता जब तक अकीदे की हो जिस समाज में के दर पे सर झुकाए जाते हो जिस में अल्लाह के अलावा किसी और का डर दिलों में मौजूद हो इस मुआरे में अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीदें लगाई जाती हो जिस मुआरे में अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कुर्बानियां हो रही हो वो समाज कभी सुधर नहीं सकता है उस समाज की कभी इस्लाह नहीं हो सकती है क्यों, क्यों? हमें मामूली सर्दी जुकाम हो और उसके साथ हमें कोई बड़ी बीमारी हो एक इंसान है उसको कोई बड़ी बीमारी है अल्लाह न करे अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो वो सर्दी और जुकाम के इलाज के चक्कर में नहीं पड़ेगा पहले वो उस मुजी और बड़े मर्ज का इलाज कराएगा कैंसर का मरीज पहले कैंसर के हॉस्पिटल में जाएगा टीबी का मरीज पहले टीबी के डॉक्टर के पास जाएगा हार्ट अटैक से जो इंसान दिल की बीमारी में मुबतला है वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेगा कोई बड़ी बीमारी हो तो हम पहले उसका इलाज कराते हैं मेरे भाइयों समाज की सबसे बड़ी बुराई शिरक है समाज की सबसे बड़ी बुराई शिरक है अगर कोई समाज की असलाह का दावा करता है और कहता नहीं साहब nah, हम अकीदों पर बात नहीं करेंगे हम तो पर बात नहीं करेंगे हम शिर पर बात नहीं करेंगे हम तो समाज की इसलाह करने आए हैं हम तो पर बात नहीं करेंगे याद रखो वो झूठा है वो इंसान वो फ्रॉड है वो इंसान जो समाज की असलाह की बात करता है और अकीदे की बात नहीं करता तोहहीद की बात नहीं करता नबियों ने अल्लाह के पैगम्बरों ने अपनी अपनी कौमों को सबसे पहले तोहेद की दावत दी है और सबसे पहले शिर से मनाया हीद के बगैर दुनिया में अमन और चैन कायम नहीं हो सकता मेरे बंदो जब तक तुम ईमान के साथ साथ अपने ईमान को तुम शिर्क से नहीं बचाओगे तब तक तुम अमन चैन नहीं पा सकते तब तक तुम हिदायत नहीं पा सकते और ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि साहब मुसलमान तो शिर्क नहीं कर सकते क्यों साहब मुसलमान क्यों नहीं शिर कर सकता कहते हैं अरे हम तो ला इल्लल्लाह पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं ला एलाकरार कर देने से कोई मुसलमान और मोमिन नहीं बन जाता जब तक उस इल्लल्लाह के माना और मतलब पर अमल ना करे वरना अल्लाह को तो मक्का के मुश्रकिन भी मानते थे हज करते थे वो हज करते थे और हज जब करते थे खाने काबा का तो लबैक भी पढ़ते थे मगर उनका लब्बैक क्या था वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक वो कहते थे अय अल्लाह मैं हाजिर हूँ हज करने के लिए उमरा करने के लिए अय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं मगर वो शरीक तेरा शरीक है जिसको तूने खुद हमारा शरीक बनाया है और तू उसका भी मालिक है ये आज ये जिस मुशरकिन मक्का जिस किस्म का शिरक करते थे आज मुसलमान इस किस्म के शिरक में मुबतला है और उसे एहसास नहीं वो समझ रहा है साहब हम तो मुसलमान हैं हम शिर नहीं कर सकते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक मेरी तलह तल हबायलिन उम्मती बिल मुशरकिन मेरी उम्मत में से कुछ लोग मुशरकों के साथ नहीं और अब तो शिर से भी आगे बढ़ के बात चल रही है अब तो साहब शिर अड्डों को प्रमोट किया जा रहा है और मुसलमान के घर में बुत बन रहे हैं और मुसलमान जो है बुतों अभी अभी बनारस का का एक एक नौजवान नौजवान हमारे इलाके का एक नौजवान, अभी 22 मार्च के पहले लोगों को कार्ड बांट रहा था और उस कार्ड पर जो है वो एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी और वो जो है उसको प्रमोट कर रहा था अच्छे खासे हाजी साहब के घर का और हमारे अंसारी बरादरी का और हमारे इलाके का नौजवान था यह हालात पहुंच चुके हैं मेरे भाई हालात इस स्टेज पर पहुंचे अब अपने बच्चों और अपने नौजवान नस्ल को मेरे भाई उनके उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी याद रखो हमारी कौम की नस्ल खुशी से खतरनाक उसके अकीदे को बर्बाद करने की कोशिशें हैं और आज हमारे दुश्मनों की प्लानिंग यही है कि मुसलमान तो रहें मगर उनके अंदर दीन की गैरत बरकरार न रहे उनके अंदर तोहेद की अमियत ना रहे उनके अंदर दीन और अकीद और ईमान नाम की कोई ऐसी नौजवान नस्ल तैयार हो जिसके अंदर दीन और ईमान नाम की कोई चीज़ बाकी यही प्लानिंग है मेरे पास हमें और आपको इस प्लानिंग को समझना पड़ेगा हजरत इब्राहिम जब अपने लखते जिगर इसमाइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की प्या हो गया सरजमीन पर के जा रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह इस शहर मक्का को तो अमन वाला शहर बना दे व जुनुबनी व बनी अन नाबुदल असनाम और अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को मेरे बच्चों को तू हमेशा बुत परस्ती से बचाना पैगंबर दुआ कर रहा है अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुल मुअहिदीन दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना अगर वो ये दुआ करते हैं तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई हमें और आपको अपनी आने वाली नस्लों को परस्ती से और शिर से बचाने की चिंता करना तो लाजिम और जरूरी है कुरान कहता है नारा। अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ हम बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते है अपने बच्चों से हम अपनी फैमिली के लिए हम हर जीत तोड़ कोशिश करते हैं सख्त सर्दी के मौसम में भी मजदूर सुबह मजदूरी करने के लिए निकलता है दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए निकलता है जॉब पर जाने वाला सुबह सुबह जॉब पर जाता है क्यों उसे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है उसे अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना है अपने बच्चों के लिए हम क्या नहीं करते मेरे भाई क्या हम गवारा करेंगे क्या हम बर्दाश्त करेंगे कि कल अल्लाह हमें तो जन्नत में डाल दे हमारे बच्चों और परिवार को जहनम की आग में डाल दे हम कभी गवारा नहीं करेंगे कुरान कहता अपने आप को अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाइयों ये पहला काम हमें करना है हमें अपने आप को और अपने बच्चों को अपने आने वाली हिफाजत और आगे बढ़िए कुरान के साथ हमारा क्या तालु नौजवानों से सवाल करता हूं किस, किस के पास स्मार्टफोन है सबका हाथ उड़ जाएगा मोली साहब आज के दौर में कौन ऐसा नौजवान है जिसके हाथ में स्मार्टफोन कौन कौन व्हाट्सएप चलाता है सब चलाते हैं कौन कौन फेसबुक चलाता है सब चलाते हैं इंस्टाग्राम पे किसकी किसकी आईडी है आठ आठ साल के बच्चों की आईडी आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं। अब एक दूसरा सवाल कर आखिरी बार आपने कुरान को कब छुआ आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी शायद रमजान के रमजान के बाद अभी तक नौबत नहीं आई ये सुम्मत का मोबाइल आधा घंटा डिस्चार्ज हो जाए नौजवान बेचैन हो जाता पता नहीं किसके किसके मैसेज आए होंगे पता नहीं किसके किसके पैगाम आए होंगे जल्दी से मोबाइल चार्ज करूं देखूं मेरे पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया मेरे मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा यही फिक्र है अल्लाह अकबर इतनी फिक्र इस बात की हो जाती कि कल कयामत के दिन अल्लाह के हमारा स्टेटस क्या जितना लोगों के लायक के चक्कर में पड़े अगर उतना अल्लाह अल्लाह तबारक बताला की नजर में लायक बनने की कोशिश करते तो आज कहां से कहां पहुंच जाते मेरे भाई ये कुरान अल्लाह का मैसेज है ये आखिरी मैसेज है अल्लाह का यह आखिरी किताब है ये कुरान लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम है शाहरुरास ये कुरान रमज़ान के महीने में उतरा है ये इंसानियत के लिए मानवता के लिए हिदायत की किताब है अल्लाह की हिदायत की किताब आपके पास है और आप उस किताब को खोल के पढ़ने की भी जरूरत महसूस नहीं आपकी जवान बेटियां माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ रही हैं कोई शिबली कॉलेज में पढ़ रही है कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एम कर रही है आपकी नौजवान नस्ल माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है मगर आपकी बच्चियों ने कुरान पढ़ा।, पढ़ा कैसे पढ़ा, पढ़ा। रट्टू तोते की तरह पढ़ा। किसी हाफी जी को बुला लिया किसी मौलवी साहब को बुला लिया पढ़ लिया पूरा तीसों पारा खत्म कर लिया कुरान हमने एक अरबी टेक्स्ट की हैसियत से पढ़ा कुरान का मजमून क्या है कुरान का तर्जमा क्या है कुरान की मीनिंग क्या है कुरान हमसे क्या कहता है हमारी नौजवान नस्ल को नहीं पता हमारी लड़की पर्दा तो कर रही है घर से निकल रही है बुरके में निकल रही है उसकी माँ ने सिखाया तू घर से निकल तो बुरका पहन के निकल बाप ने सिखाया बुरका पहन के निकल वो बुरका तो पहन रही है हिजाब कर रही है वो मगर इस हिजाब का हुक्म क्यों दिया गया ये पर्दा तो कुरान में इस पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया उसकी हिकमत क्या है उसकी मसलाहत क्या है ये आपकी बच्ची ने कभी नहीं जाना तो नतीजा ये निकला कि कॉलेज में जाके बुरका उतर जाता है यूनिवर्सिटी में जाके बुरका उतर जाता है शादियों और पार्टियों में गैर महरम के आगे जाके बुरका और नकाब उतर जाता है कुरान से हमें मेरे भाइयों जुड़ना है अल्लाह इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी वो जमाने में थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान कुरान से हमें अपने ताल्लुक को जोड़ना पड़ेगा ये दिलों में जो शक्ति है ये दिलों में जो कठोरता है ये दिलों पर जो कुरान और हदीस का असर नहीं हो रहा है क्योंकि कुरान से अपने दिलों को हमने दूर कर दिया है और दिल का लॉक खोलने का अगर कोई ताला है तो वो कुरान उसकी चाबी अगर कोई है तो कुरान है अफला कुरान तुम पर गौर क्यों नहीं करते क्या तुम्हारे दिलों पर ताला लगा। कुरान से करीब आओ मेरे अल्लाह की कसम और इस उम्मत के असलाफ इस कुरान को अपनी जिंदगी का मंशूर बनाए हुए थे उनकी जिंदगी में कुरान की बड़ी अहमियत थी और यही वजह है कि वो जमाने में मुआजत थे हमें कुरान की तरफ लौटना पड़ेगा और आगे बढ़े हमारी तबाही और बर्बादी की तीसरी वजह सुन्नत से दूरी अल्लाह के रसूल से पूछा गया इरबाज इबन की बड़ी मशहूर रिवायत है अब दाऊद के अंदर तिरमिजी के अंदर नसई के अंदर इबन माजा के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी साहबा के दरमियान तकरीर कर रहे हैं खुतबा दे रहे हैं खुतबा बड़ा रुला देने वाला है बड़ा बलीग है साहब कराम कहते हैं अल्लाह के रसूल इस मौके पर आप हमें कोई नसीहत कर दें अल्लाह के नबी नसीहत करते हैं आप फरमाते हैं अलई कुंब सुन्नती व सुन्नत राशिदीन अलमहदीन ओ लोगो तुम मेरी सुन्नत पर चलते रहना और मेरे खलफाए राशिदीन जिस तरीके से मेरी सुन्नत को थामे रहेंगे तुम भी थामे रहना तमस्कू बिहा मेरी सुन्नत को अपने डाल के दांतों से मजबूती से पकड़ लेना और जो तुम्हें से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा जब इख्तलाफ का तो काम निकालने से बचना इसलिए दिन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है आज उम्मत का एक बड़ा तबका बिदात मुबतला है वीडियो आते हैं फेसबुक पर मस्जिदों में बैठ करके लोग गर्दने हिला हिला के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं नाच रहे हैं उछल रहे हैं कूद रहे हैं और दुनिया को बताते साहब ये इस्लाम है ये कौन सा इस्लाम है मेरे नबी मेरे नबी के सहाबा इस उम्मत के बेहतरीन लोगों ने तो ऐसे इस्लाम को फॉलो नहीं किया ये कौन सा इस्लाम है जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं हर महीने में कोई नई बिदत हर हफ्ते में कोई नई बिदत और बिदात का कोई सीजन नहीं बिदात का कोई मौसम नहीं मेरे भाइयों अपने आप को बिदा तो खुरा से ये दीन कोई ऐसा नहीं है कि हर हर साल अपडेट होता रहे ये दीन अपग्रेडेड है ये दीन ऑलरेडी अपडेटेड है और 1400 साल पहले ये दीन अपडेट हो चुका है अल यौ मा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया

बीदा करने वाला नबी पर यह तोहमत लगाता है

सुन्नत से दूर है योगी और नमाज से भी दूर है अभी मैं नमाज पढ़ रहा था आपकी मस्जिद पे पीछे देखा चटाइयाँ बिछी हैं मुझे नहीं मालूम हो सकता है मेरी गलत फहमी हो पीछे इस सर्दी के मौसम में भी चटाइयाँ बिछी हैं इसका ये इस बात की अलामत लग रही है कि शायद पंचवक्ता नमाजों में पीछे लोग आम तौर से नहीं आते हैं हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन इसे कालीन बिछा है माशाल्लाह और बाहर जो है चटाई बिछी है इसका मतलब कि अंदर ही से काम चल जा रहा है बाहर के भी नौबत नहीं आ पा रही और फजर में तो शायद दूसरी सब की भी नौबत नहीं आती है ये हमारा हाल है ये हमारा हाल है और हम साफ बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर आज बड़ा जो है सितम हो रहा है और हमारी मस्जिदों पर बड़ी गलत निगाहें हैं मोहल्ले की मस्जिद हम आबाद नहीं कर रहे हैं और हम इधर उधर की मस्जिदों की फ़िक्र कर रहे हैं इस मस्जिद को पहले आबाद करो मेरे इसी मुल्क में पानीपत के इलाके में 335 सौ पैंतीस मस्जिदें थी आजादी के पहले लोग हिजरत करके चले गए दूसरे मुल्क पूरा इलाका खाली हो गया गैर वहां आबाद हो गए उन 335 मस्जिदों का वजूद जमीन से खत्म कर दिया अगर आपने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया ये बूढ़े ये बुजुर्ग ये लाठी लेकर के आने वाले फजर की नमाज में जब तक ये आ रहे हैं एक वक्त आएगा ये भी नहीं आएंगे और आज की जो नौजवान नस्ल है कल वो बूढ़ी होगी तो जैसे आज उसे फजर पढ़ने में मुश्किल आती है कल बुढ़ापे में भी उसे मुश्किल आएगी और फजर की नमाजों में ताले लगे रहेंगे अजान देने वाले नहीं मिलेंगे मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन मुसलमान की जिंदगी में नमाज न हो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं नबी के दौर में मुनाफिकों को भी मस्जिद में आना पड़ता था मुनाफिक पक्के दुश्मन थे इस्लाम के नबी को मालूम थे ये दुश्मन है इस्लाम के मगर मुनाफिकों को यह शो करने के लिए कि हम मुसलमान हैं मस्जिद में आना पड़ता था यह अलग बात है कि मुनाफिकों की नमाज में और मुसलमानों की नमाज में बड़ा फर्क था क्या फर्क था कुरान के गामू गामू कुसाला। वला कलीला। ये मुनाफिक लोग नमाज में बड़ी मुश्किल से आते हैं बड़ी काहली करके पौने आठ बजे ऐशा की जमात है तो ये साहब बड़ी मुश्किल से टेक टेका के सात पचास पे पचपन पे बिल्कुल आखिर में पहुँचते हैं सर्दी इतनी है साहब सर्दी इतनी है ठंडे ठंडे पानी से वजू करना है बड़ी मुश्किल से आते हैं ये लंगड़ाते हुए और बड़े जो है कांपते हुए कैसे कैसे मस्जिद में आते हैं और उसके बाद अल्लाह का बहुत कम कमी होगी वस्तईन बिस्सब्र वस्सला व इन्हा लकबीरतुन अल्लाह ने कहा नमाज बड़ी भारी चीज है किसके लिए इल्ला अलल खाशिन जो अल्लाह से डरते हैं उनको छोड़ के बाकी सबके लिए भारी है मेरे भाई दुआ करो नमाज हमारे लिए हल्की हो जाए नमाज हमारे लिए ऐसी हो जाए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के लिए अल्लाह तबारक पताला सात तरीके के बंदों को अपने अर्श का साया देगा उन सात तरीके के बंदों में एक बंदा वो भी होगा वह रजर उन कल्ब बिल मसाजिद जिसका दिल मस्जिद में अटका हो जिसकी एक टाइम की नमाज भी छुट्टी हो तो उसको टेंशन हो कि मेरी नमाज कैसे छूट गई वो पहले जल्दी से उस नमाज को पूरा करे उसका दिल मस्जिद में लगा हो मेरे भाई जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं उस नबी को नमाज से बड़ा लगाव था बड़ा ताल्लुक था और अल्लाह के प्यारे नबी अपने आखिरी वक्त में अपने वफात के पहले उम्मत को सबक देते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों असलात वमा मलकत ईमानकुम नमाज का ख्याल रखो और आगे बढ़िए हमें और आपको अगर अपनी बर्बादी और तबाही के हालात को अगर सुधारना है तो हमें मुत्तहिद भी, भी होना पड़ेगा मुत्तहिद भी होना पड़ेगा बनारस में, 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 में। अलहदुल्ल एक बड़ी अच्छी कोशिश हुई है दुआ कीजिए अल्लाह कामयाब करे तमाम मसल के उलमा ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है मतहदमा कौंसिल के नाम से उसमें तमाम जो मुसलमानों के मकतब फ़िक्र के उलमा हैं वो सब मैं भी उसमें शामिल हूँ हमारे और भी तमाम उलमा हैं और अभी उसका एक प्रोग्राम भी होने वाला था अट्ठाईस तारीख को शायद हालात को देख करके उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो समाज के बहुत सारे मसाइल हैं मिल्लत के बहुत सारे मसाले है जिसके लिए हमें मुतहिद होने की जरूरत हमें एक होने की जरूरत है और ये एक हम कैसे हो सकते हैं कुरान ने उसका भी नुस्खा बता दिया वह आतसम बिहिया अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम जब तक हमारे हाथों में अल्लाह की रस्सी नहीं आएगी हम मुतहिद नहीं होंगे हो भी जाएंगे तो दिल में दूरी रहेगी दिल को एक करना है अल्लाह की रस्सी को थाम लो अल्लाह की रस्सी क्या है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनकी कतर तत, तुफी कुमश मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं लन हूँ बादहुमा उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते किताब अल्लाह ही व सुन्नति एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है और ये बात याद रखो बाज लोग ये समझते हैं साहब कुरान अलग है सुन्नत अलग है कुरान पर हम अमल कर ले सुन्नत पर अमल करने की जरूरत नहीं है हदीस पर अमल करने की जरूरत नहीं है कुरान और हदीस ये लाजिम और मलजूम है जब तक दोनों को मिला करके हम अमल नहीं करेंगे शरीयत पर अमल नहीं कर सकते कुरान कहता है नमाज पढ़ो नमाज का तरीका नबी बताते हैं कुरान कहता है नमाज कायम करो नमाज कितनी रकात पढ़ना है कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये सारी डिटेल आपको हदीस में मिलेगी सुन्नत में मिलेगी इसलिए कुरान और सुन्नत दोनों के मजमुए का नाम अल्लाह की रस्सी है अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो सारा झगड़ा अल्लाह अपनी कसम खा के कुरान में कहता है ऐ नबी आपके रब की कसम ला यू ये लोग मोमिन नहीं हो सकते हत्ता यु हक के मुंह का पीमा शजरा बई रहूम जब तक अपने सारे झगड़ों में ऐ नबी आपके फैसले को आखिरी फैसला न तस्लीम कर ले आपके डिसीजन को आखिरी डिसीजन न मान तो इख्तलाफ को खत्म कर ले और आगे बढ़िए जात पात का भी हमारे यहां बड़ा मसला कोई अंसारी है कोई शेख है कोई खान है कोई मंसूरी है कोई कुरैशी है ठीक है भाई बरादरियां हैं बड़ी है। मगर साहब मैं बाज इलाकों में गया मस्जिद में दाखिल हुआ एक साहब से पूछा भाई ये कैसी मस्जिद है बोले ये कुरैशियों की मस्जिद कुरैशी लोगों की अलग मस्जिद है कहीं पर मैं गया बोले ये नाई बरदरी की अलग मस्जिद है यहाँ पठान लोग नमाज नहीं पढ़ सकते मेरे नबी ने इस बरिवाद को इस कास्टिज्म को खत्म किया था मेरे नबी के सहाबा में सलमान फारसी ईरान से आए हुए हैं वो भी मेरे नबी के सहाबा में शामिल हैं रूम से सुहेब रूमी आए हैं वो भी मेरे नबी के सहाबा में शामिल हैं बिलाल हबशा के रहने वाले वो भी मेरे नबी के सहाबा में शामिल हैं और ऐसा नहीं है कि किसी की कास्ट की बुनियाद पर और किसी की कौमियत की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव हो अल्लाह के नबी अपने हजतल के खुतबे में अपने आखिरी खुतबे में उम्मत को ये सबक देते हैं अयुहन्नास कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ऐ लोगों तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं किसी भी बिरादरी के इंसान हो किसी भी कास्ट और जात से ताल्लुक रखता हो सब आदम की संतान है सब एक फैमिली के सदस्य हैं सब एक खानदान के लोग हैं और आगे आपने फरमाया अला ला फजला ले अला अजमी वला ले अला अरबी वो लोगों किसी अरब के रहने वाले को किसी बाहर के रहने वाले के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है किसी गोरे को किसी काले पर किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है ये इस्लाम का एजाज था कि आज भी आप हरम का मंजर देखें हज और उमरा का मंजर देखें अफ्रीका का काला भी है अमेरिका का गोरा भी है इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है बांग्लादेश का बंगाली भी है सबकी जुबानें अलग हैं सबके रंग अलग हैं मगर सब एक ड्रेस में हैं और सब एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं सब एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं बंदो मोहताज गनी एक हुए तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाज न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज हमें इस बरदरीवाद के जहर से भी उठना होगा मेरे भाइयों ठीक है हम अपनी बरादरी को अगर हम हम ये समझते हैं साहब हम हमारी एक बरादरी और हम अपनी बरदरी को अच्छा समझते हैं आप दूसरों को हकीर मत समझिए दूसरों को नीचा मत समझिए और बरादरी की बुनियाद पर किसी की तहकर मत कीजिए ये इस्लाम की तालीम है और एक दो चीज़ें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ शादी ब्याह का हमारा निज़ाम भी अब हमें इसलाह करने की ज़रूरत है मेरे पास इसलिए कि अब हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं शादी ब्याह की हमारी ये बेअतदाली ये फजूल खर्ची ये रस्म रिवाज के बखेड़े आज हमारे नौजवानों को गलत रास्तों पे लेके जा रहे हैं हमारी बच्चियों को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं अगर हमने निकाह को आसान नहीं किया और इस इस रिवाज के जाल से माँ से बहनों कहना चाहता हूँ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है शादी ब्याह में आपकी बात ज्यादा चलती है आप कदम आगे बढ़ाएं आप कह दें कि मेरे घर में शादी सुन्नत के मुताबिक होगी मेरे मैं अपनी बहू मैं दीनदार बहू लाऊंगी मैं कोई जहेज का एक अपने घर में आने नहीं दूंगी जिस दिन सास की ये सोच बन जाए जिस दिन माँ की ये सोच बन जाए और दीनदारी को तरजीह दे दे मां अपने बच्चे के लिए उस

न शादी ब्याह के पूरे निजाम में आप देखें सिर्फ मौलवी साहब से काजी साहब से निकाह पढ़ाया जाता बस यही एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है बाकी सर से पैर तक पूरा सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है औरतों में गैर मर्द जा कर के औरतों में कैमरा ले ले करके रिकॉर्डिंग कर रहा है बेहजाई हो रही है बेपर्दगी हो रही है और कहीं कहीं आप देखें नाच गाना तक हो रहा है मुसलमानों की शादियों में ये हालात है मेरे भाई उसके बाद हम कहते हैं साहब हमारे यहाँ रिश्तों में जो है बड़ी लड़ाइयाँ हैं और बड़ी कशमकश है कहाँ से बरकत आएगी और कहाँ से सुकून आएगा मेरे भाइयों अपने निकाह और शादी ब्याह के सिस्टम को आसान कर और आगे हमारी तबाही और बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है अपने ओलमा से हम कट गए आज हम फेसबुक और सोशल मीडिया पर नाम निहाद सो कॉल्ड अपने आप को स्कॉलर कहने वाले मुफ्तियों के चक्कर में फंस गए अपने इलाके के मुस्तनद मुस्तमा जो हमारे इलाके में कुरान और हदीस के जानकार ओलमा हैं उनको हम किसी खातिर नहीं लाते और साहब हमारे पास फेसबुक पर एक से एक मुफ्ती और अलामा भरे पड़े हैं मेरे भाइयों याद रखो फेसबुक की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया यूट्यूब की दुनिया बहुत वसी दुनिया है हर तरीके के लोग हैं हर फिक्र के लोग हैं आप अपने मुस्तनद मुस्त ओ रब्बानी है जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़े रखिए और उलमा के दर्श में शामिल होइए ये।, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है जो हमारे भाई बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे उनसे भी कहूंगा जब आपके इलाके में कोई प्रोग्राम हो कोई आलिम आपके इलाके में आता हो आप ये ना करें इस हम बाद में सुन लेंगे हम लाइव सुन लेंगे हम मोबाइल पर सुन लेंगे मोबाइल पर सुनने पर और लाइव सुनने पर इस मजलिस की बरकत आपको नसीब नहीं होगी यहाँ आप इस मस्जिद में आए हैं अल्लाह के घर में आए हैं ये ये बरकत वाली मजलिस है मेरे भाई फरिश्तों ने इस मजलिस को घेरा हुआ है इस इस मजलिस पर अल्लाह की सकीनत उतरती है ऐसी मजलिसों में जाओ जहाँ म की बात होती हो या कुरान और सुन्नत की बात होती हो या इस्लाह की बात होती हो ऐसी मजलिसों में हमें जाना चाहिए और अपने मा से जुड़ना चाहिए अल्लाह फरमाता है व कान कान रब कल यूह कल कुर्म वह का रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा जब तक उस बस्ती में इसलाह करने वाले लोग मौजूद हों जब तक ओलमा मौजूद हैं, जब तक हक मौजूद हैं, जब तक मौजूद है, हैं, है, जब तक कुरान और सुन्नत की बात करने वाले मौजूद हैं, तब तक इन बिदत को बिदत कहा जाता रहेगा शिर को शिर कहा जाता रहेगा गंदगी को गंदगी कहा जाता रहेगा और पाकी को पाकी कहा जाता रहेगा जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन ये मुसलिंग खत्म हो जाएंगे ये तबाही की दस्तक होगी और मेरे नबी जनाब मोहम्मद ने उस दौर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया किला जब मा ख़त्म हो जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार और पेशवा बना लेंगे मेरे भाइयों अपने से ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए ये चंद असलाह की बातें थी इसमें जो सर जो चीज़ थी जो सबसे पहली चीज़ थी कि हम अपने ईमान और अकीदे की फिक्र करें हम नमाज से अपना ताल्लुक जोड़ें हम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ें बिदात से दूर होकर के सुन्नत से अपना ताल्लुक जोड़ें और इसी तरीके से आपस में व इत्तेफाक पैदा करें शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करें ज़ात बरदरी की तकसीम से ऊपर उठें और अपने उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़ें ये चंद बातें थी चूँकि वापस भी जाना है बनारस लंबा सफ़र है रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तभी काफ़ी कोहरा था और ड्राइवर साहब ने कहा कि जितना जल्दी मुमकिन हो निकल चलें तो मेरे ख़्याल से सवा नौ बज रहे हैं और मैंने ये सोचा था कि प्रोग्राम में मग़रब के बाद पहुँचेंगे और आठ बजे तक रवाना हो जाएंगे लेकिन सवा नौ हो रहे हैं दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस सर्दी के मौसम में जो कि अभी मौसम वालों की रिपोर्ट है कि बनारस में और पूर्वांचल में जो है कई सालों के बाद इतनी ख़तरनाक सर्दी पड़ी है इस सख्त सर्दी के मौसम में इस इलाके के जो हमारे भाई आ, मैं नाम नहीं जानता बहुत सारे लोगों को हमारे शेख अब्दुल्ला साहब जानते होंगे जिनकी कोशिशों से और मेहनतों से ये प्रोग्राम मनक़द हुआ है और जिन्होंने इसमें किसी भी किस्म का ताउन किया है अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए रबालमीन हमारे जमा होने को हमारे उठने बैठने को सुनने सुनाने को कबूल फ़रमाए ये एक सवाल आया है कि वालद की मिलकियत और मीरास में बेटी का क्या हक़ है कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दें बिल्कुल साफ कुरान की आयत मौजूद है कि लिजर मिसल के बेटे को जो हक मिलेगा वो बेटियों का डबल मिलेगा मान लीजिए कोई इंसान अगर उसका इंतकाल हुआ है और उसकी दो बेटियां हैं और एक बेटा है तो जितना एक बेटे को मिलेगा उतना मिला करके दोनों बेटियों को मिलेगा यानी बेटे को बेटी का डबल मिलेगा एक बेटी को जो मिल रहा है उसका डबल बेटे को मिलेगा उसी रेशियो से जितने बेटे बेटी होंगे उसको बांट दिया जाएगा और ये कुरान की आयत अब इसको कोई नहीं दे रहा है तो ये वो जुल्म कर रहा है बाप का जो तरक़ा है बाप ने जो भी छोड़ा है कपड़ा भी छोड़ा है जेवर भी छोड़ा है हमारे कहीं के मैंने ये भी देखा कि माँ जो जेवर छोड़ती है खाली बेटियों को दिया जाता है वो भी गलत है माँ ने अगर जेवर छोड़ा है तो सिर्फ बेटियों का हक नहीं है जमीन जायदाद बाप को दे दी बेटों को दे दी जाए और जेवर बेटियों को दे दी जाए ऐसा नहीं है कुरान ने जो वरासत के हकूक बयान किए हैं वो सारी चीजों में है बाप का कुल तरका माँ का कुल तरका उसमें जिसका जो हक है वो हमें दे देना चाहिए और ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि दे दो तो चलेगा ना दो तो कोई हरस की बात नहीं ऐसा नहीं है अल्लाह ने जहां वरासत का मसला बयान किया अल्लाह ने कहा तिल कोदूद ये अल्लाह ताला की लिमिट्स है ये अल्लाह ताला की रेगुलेशन है ये अल्लाह ताला का, का कानून है और आगे फरमाया जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के कानून को तोड़ेगा ये वरासत का मसला बयान करके अल्लाह ये बात कह रहा है हम और आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह से मदद मांग रहे में भाई बहन का हक मार के बैठा है हर घर में बेटा बेटी का हक मार के बैठा है मेरे भाइयों वर्स का हक हाँ भी जो है अल्लाह ताला का कानून है वो हम सबको देना चाहिए नहीं देंगे तो अल्लाह ताला के पकड़ होगी तो सुन्नत और नफिल से पूरा कर दिया जाएगा आज के ज़माने में बहुत सारे लोग सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते अगर उनकी फ़र्ज़ नमाज में कमी होगी तो किस चीज़ से पूरा किया जाएगा देखिए ये तो हदीस में आता है कि फ़र्ज़ में अगर कमी होगी तो नफिल से पूरी की जाएगी अब कोई नफिल नहीं पढ़ रहा है सुन्नत नहीं पढ़ रहा है तो उसकी कमी किस चीज़ से पूरी होगी तो जाहिर है कि अल्लाह ताली क्यों फिर वो पकड़ होगी उसकी उसको गुनाह होगा अब उसकी कमी किस चीज से पूरी होगी इसका तो कोई हदीस में बयान नहीं किया गया है मगर यह बात है कि हमें जिस तरीके से हम फर्ज की पाबंदी करते हैं हमें सोनन और नवाफिल की भी पाबंदी करनी चाहिए अब उसमें दो मसला है कुछ लोग क्या समझते हैं साहब के नफिल नमाज को एकदम कंपलसरी बना लेते हैं कि मग़रब के मिसाल के तौर तो पर मगरब में तीन रकात फर्ज है और दो रकात सुन्नत है दिन और रात में बारह रकात नमाज सुन्नत है जो अल्लाह के रसूल से हम बहुत पाबंदी से पढ़ते थे और हमें भी पाबंदी से पढ़ना चाहिए उसके अलावा जो हम पढ़ें दो दो रकात करके वो नफिल है अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पाँच दो सात तीन फर्ज दो सुन्नत और दो नफिल तो वो बिल्कुल कंपलसरी बना लेते हैं है। कि भाई ये दो नफिल पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है तो ज़रूरी समझना भी ठीक नहीं है और कुछ लोग कभी नहीं पढ़ते हैं कि साहब क्या जरूरत है हम तो माशा ऐसे ही एकदम जो है बख्शे बख्शा है हमको तो क्या जरूरत है नफिल पढ़ने की ये भी गलत है अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा फ़रायज़ के ज़रिए बंदा अल्लाह की मोहब्बत जो हासिल करता है फ़राइज से हासिल और फ़राज़ के बाद फिर सेकंड नंबर पे नवाफिल आती है तो पहले फ़र्ज को पूरा करो और फ़र्ज के बाद फिर नवाफिल और सुन्नत का भी एहतमाम करो और कम से कम पाँचों टाइम की नमाज में फजर की नमाज में दो रका सुन्नत जहर में फ़र्ज के पहले चार और फ़र्ज के बाद दो मगरिब में फर्ज के बाद दो और ईशा में फ़र्ज के बाद दो ये टोटल बारह रका सुन्नत है ये जो पाबंदी से पड़ता है हजरत उम्मे हबीबा की हदीस सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये बारह रकात पाबंदी से पढ़ता है बन अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है अल्लाह जन्नत में घर बनाता है उसके लिए उसको जन्नत में घर मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है इसकी हम सबको पाबंदी करना चाहिए अल्लाह का हुक्म है कि नमाज के लिए मस्जिद जाओ तो जीनत बना कर जाओ टोपी कुर्ता पहन कर जाओ आजकल टोपी ना लगा कर बनियाईन पहन के जाते इसका क्या हुक्म है अल्लाह ने ये तो नहीं कहा टोपी कुर्ता पहन के जाओ अल्लाह ने कहा जीनत अपना के जाओ अब जीत में क्या है कि जो लिबास हमारे यहाँ एक अच्छा लिबास माना जाता है एक शरीफ आदमी का लिबास माना जाता है जिस लिबास में आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता है वो लिबास अपना के जाए अब हमारे यहाँ साहब कुर्ता पैजामा का रिवाज है तो ठीक है कुर्ता पैजामा पहन के जाओ साउथ में आप चले जाएं केरल वगैरह में वहाँ इमाम साहब पैंट और शर्ट पहन के खुतबा दे रहे हैं वहाँ उनका वो लिबास है बहुत सारे इलाकों में जुब्बा पूरा लंबा वाला जुब्बा पहनते हैं तो ड्रेस जो होता है शरीयत ने किसी ड्रेस की पाबंदी नहीं की है अलबत्त अब उसमें टोपी का ज़िक्र आया तो टोपी भी हमारे यहाँ शरीफ इंसान के ड्रेस में शामिल है तो जिस तरीके से आप एक मुकम्मल ड्रेस और मुकम्मल लिबास आप जब पहनते हैं एक मुसलमान के तौर पर तो, तो टोपी भी लगाते हैं तो आप मस्जिद में भी आए तो टोपी लगा के आए अब कभी ऐसा हुआ कि टोपी नहीं मिल रही है टोपी नहीं है तो हमारे यहाँ बाज़ औरतों का ये कहना है कि साहब खास नंगे सर जब आदमी नमाज पढ़ता है तो शैतान बैठ जाता है तो वो गलत बात है शैतान नहीं बैठता है लेकिन टोपी आप लगा करके आए तो बेहतर है अलबत् कहीं कहीं मस्जिदों में रेडीमेड टोपी रखी रहती है वो साहब बरसों की महीनों की गर्दो गबार और धूल उस पर जमी है और आदमी मस्जिद में आया टोपी नहीं उसकी जेब में तो वो जल्दी से क्या करता है वो प्लास्टिक वाली टोपी लगा लेता है तो ये ये एक दूसरी ज्यादी होगी ये इंतहा हो गई टोपी को फ़र्ज़ समझना कि टोपी के, के बग़ैर नमाज नहीं होगी टोपी नहीं है तो साहब वो दस्ती और रुमाल लोग मान लेते हैं इतना उसको कंपलसरी समझना ये भी गलत है और बाद लोग जानबूझ करके उन्होंने एक फैशन बना लिया कि बगैर टोपी की मस्जिद में आते ये भी सही नहीं है टोपी हमारे मुस्लिम कल्चर का हिंदुस्तान के मुस्लिम कल्चर का एक हिस्सा है और अल्लाह ताला ने कहा खजूसि मस्जिद जब मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपनाओ तो जीनत में जो हमारा एक कल्चरल ड्रेस है जिस लिबास में एक शरीफ मुसलमान नजर आता है उसमें टोपी भी शामिल है तो हम टोपी लगा के आए सर्दियों का मौसम है आप ये मोटी वाली टोपी भी लगा के आ सकते हैं मैंने ये लंबी वाली टोपी लगाई ये भी लगा सकते गोल भी लगा सकते टोपी का कोई मसला नहीं है उसको बहुत ज़रूरी समझना भी मुनासिब नहीं है और उसको बिल्कुल उससे बेनियाज हो जाना ये भी मुनासिब नहीं है अल्लाह आलम बिसवाब ये चंद सवाल थे अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी तहत फ़रमाए आलमीन आज की इस मुजलिस को कबूल फ़रमाए और हमारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत पैदा फ़रमा दे अल्लाह से अकीदे पर हम सबको कायम रखे और मरते दम तक अल्लाह ताला तौहीद और ईमान पर कायम रखने की तोशीकतः फरमाए आमीन व वाह ख़ुर्दावानी बहुत शुक्रिया इस ऐलान के साथ प्रोग्राम के इखताम का ऐलान किया जाता है कि इन शजीज़ बत तारीख दो फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमादेशा मौज़ा मदना पार में फजलतुलशै सरफराज अहमद साहब फ़ैजी हफेदुल्ला जो मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं उनका खिताब होगा और चार फरवरी को इनशाला शेख का खिताब आपके इसी इलाके मदाबंदी कला में होगा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस तरह के दिनी प्रोग्रामों में इम्कान आप पहुँच करकेमा के मोहद हसना से मुस्तफ हों मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ शेख के शुक्रिय के साथ आज के इस प्रोग्राम के खतम का ऐलान करता हूँ सुबह नकल्ला मबना व बहमद काशद अस्तफ़िर का वतूबलैक